तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवतना अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसी टेलीकॉम देवतना अग्रवाल चैनल और बेसिकली ये देख रहे हैं आप एसी टेलीकॉम का ऑफिशियली चैनल। तो दोस्तों आज मेरे पास है एक J7 प्राइम और हम उसका चार्जिंग सेक्शन सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम चार्जिंग सेक्शन तो बना रहे हैं, ये एक हमारे कस्टमर का सेट मान के चलिए, हम इस पर चार्जिंग सेक्शन तो बना रहे हैं, बट मेरा जो फोकस है वो आपको सिखाने पर है, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और अगर आपने हमारे अभी पहली बार आप इस पर आए हैं और आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो लिस्ट में जाइए, आप देखेंगे वहाँ पर आपको सर्किट के लेवल पर, जैसे आप बोलते हैं चिप लेवल पे सीखना है, तो चिप लेवल पे क्या आप सीखेंगे वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि एसर टेलीकॉम किस लेवल तक सिखाता है। आज मैं आपको इसकी पूरी चार्जिंग का पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ये चार्जिंग पे स्ट्रोब आई सी है दोस्तों, मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ये DC to DC कन्वर्टर, चार्जिंग स्ट्रोब, ये सारी तरह के एक आईसी पे काम करता है। इसको PMIC, इसको PMIC भी बुलाते हैं कुछ लोग। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ दिखा दीजिए जरा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने है ना एक बकायदा अच्छा एक सर्किट डायग्राम आपके लिए बना के रखा हुआ है। ये सर्किट स्कीमेटिक एक तरह से, आप ये मान के चलिए ये लेआउट की तरह है, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको चार्जिंग के अंदर कौन कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ क्या काम करती है, इस पे IO वोल्टेज कौन से आते हैं, अगर मैं बताऊँ इसको इनपुट वोल्टेज कौन से मिलते हैं VCC जैसे, अगर हम बात करेंगे इसकी स्विचिंग की वोल्टेज कौन से होते हैं, इसके USB, इसके डाटा सीरियल प्रोटोकॉल क्या है, या I2C इसमें कितनी है, इसमें I2C कौन कौन से पर और कितनी लाइनों पर I2C आ रहा है, ये कौन सी IC है, इसका आउटपुट क्या है, इसके ग्राउंड क्या है, LED के स्ट्रोब IC के कनेक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस IC में समझेंगे। और इससे पहले जो सबसे ज्यादा मेन है हम इसमें ये समझेंगे कि इस IC से दोस्तों पहले क्या होता था कि मोबाइल में आपने चार्जर लगाया तो सीधे चार्जिंग पर इनपुट 5 वोल्ट बनते थे कैपेसिटर से, पर अब क्या हो रहा है, अब चार्जिंग के बीच में एक आपको ESD IC दी जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस फ्रिक्वेंसी। ये IC एक तरह से प्रोटेक्शन IC है, इसको फिल्टर IC भी बोल सकते हैं। ये IC को ये बाईपास कर सकते हैं आप इसको, अगर ये खराब हो तो आपने बस एक जगह से दूसरी जगह पे जंपर मारना है। तो मैंने 2 ICs ली हैं, बेसिकली मेरे सेट में जो J7 प्राइम में ये लगी है, पर जो J7 प्राइम के ऊपर जो नेस्ट है या प्रो है उसमें ये IC भी लगी है। तो मैंने ये दोनों को आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, प्लस आपको पूरा डायग्राम और ये पूरा लेआउट इसके साथ। तो दोस्तों और साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखाइए और ऊपर ये आपको पूरा जिन जाओ के साथ में हम आपको डायग्राम के साथ यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे कि किस तरह से इसका चार्जिंग का सेक्शन का समझा जाए और किस तरह से इसका चार्जिंग का सेक्शन को बनाया जाए। तो सर्किट डायग्राम कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं डीपली में, एकदम डीपली, सिर्फ ये नहीं कि IC ये लाइन यहाँ आ जाती है, वो लाइन क्या है, क्यों काम करती है, उस पर वोल्टेज कितना आता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ये जुड़े रहे इस चैनल के साथ और वीडियो दोस्तों पहली बता देता हूँ ये लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में ये वीडियो लूं तो ये हो सकता है कि आप कुछ चीजें मैं उसमें ना बता पाऊं। मैं चाहता हूं कि A to Z जो आपने आज तक अपने किसी भी मोबाइल ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट में नहीं सीखा होगा वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे एकदम फ्री में, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर मुझे एसर टेलीकॉम जाना है तो मुझे किस लेवल पे मैं सीख सकता हूँ और आगे उनसे कितना अपडेट मैं ले सकता हूँ। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि एसर टेलीकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको दूसरी बार भी बुलाता है, जो आपको तीसरी बार भी बुलाता है, और वो बोलता है कि अपने डाउट और अपने फोन लेके वापस आइए और फिर से कीजिए अपने पास यहाँ पे काम, क्योंकि इसे बोलचाल की दुनिया नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये करने की दुनिया है। जैसा मैंने बोला ना, ऑनलाइन बोलचाल की दुनिया है, जब आप टेबल पे आओगे ना और जब आप सिर्फ पत्रा उतारना जो सील्ड बोलते हैं वो उतारने में अपने फोन को डेड कर दोगे, देखकर तो YouTube से सीखा जाता है, तो जनरली वो सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसके चार्जिंग सेक्शन पे। तो सबसे पहले मैं इसका चार्जिंग का फॉल्ट बता देता हूँ कि ये चार्जिंग नहीं ले रहा है, और उसके बाद मैं सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये निकालता हूँ कहाँ कहाँ हमें नेसेसरी वोल्टेज देखना है, वो वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इस पर इस IC को निकाल के, और अगर मान लीजिए ये एक IC से भी नहीं है, सपोज ये सिर्फ नॉर्मली कॉइल से चला जाता है, तो भी मैं इसकी IC निकालूंगा और इसके पूरे अंदर के जो भी मैंने रीडिंग बताए हैं, जो सारी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो GR मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो सारे GR मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहिए क्योंकि सीखेंगे बहुत कुछ और पाएंगे बहुत कुछ। और लाइक करके जाइए दोस्तों, और ये वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, बहुत मेहनत की है हमारी रनिंग क्लास के बीच में, अब मान के संडे है और उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा समय निकाला ये वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, और ताकि आपको मिले बहुत सारा ज्ञान। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास फ़ोन है, तो चलिए इसका आपको फॉल्ट बता देते हैं। यहाँ पर आप 37% दिखाई दे रहे हैं। ये USB डाटा प्लस यहाँ पे लगाते हैं, ये 5 पिन का USB डाटा प्लस है। एक आज की डेट में 5 पिन का आता है और एक आता है 24 जो रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये एक साइड लगता है। इसमें आपका एक पिन होता है बी बस जिसके साथ 5 वोल्ट जाता है, एक होता है USB डाटा प्लस और डाटा माइनस जो आपके डिजिटल सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं, जो एक प्रोटोकॉल होते हैं, और एक होता है ID आइडेंटिफिकेशन जो आपके USB को डिटेक्ट करता है। और दोस्तों बाकी इसके दो ग्राउंड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं जैसे इसमें ये लगाया तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। पावर की दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज यहाँ पे या पे कोई सिग्नल दिखाई देता नहीं दे रहा है। अब यही चीज़ देखिए मैं एक दूसरे फ़ोन पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये चार्जिंग का भी आ गया यहाँ पर सिम्बॉल, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चार्जिंग। अब देखिए वापस इसी फ़ोन को अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो यहाँ पर ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए, और बेसिकली ये कोई एमपैड भी नहीं ले रहा है। तो मसला चार्जिंग में है, हम इसको डिटेक्ट कर चुके हैं। इसका मसला चार्जिंग आईसी में है, यहाँ पर दिखाइए। तो इसका मसला यहाँ पर चार्जिंग आईसी में दोस्तों। तो जो चार्जिंग आईसी यहाँ पर हमें आपको यहाँ पर सिखाना है, तो बेसिकली हमने सोचा कि सिर्फ चार्जिंग आईसी चेंज कर देने से ये इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, पर इसमें आप कितना अच्छा सीख सकते हैं ये आप पर है, क्योंकि हमारा काम है सिखाना। अगर हम चाहते हैं कि अगर आप एसर टेलीकॉम से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा सीखें, तो यहाँ पर हम आपके लिए बहुत बेस्ट लेके आए हैं, और जिसमें मैं आपको पूरा इनपुट से लेकर आपका पूरा आउटपुट तक बताऊंगा, उसके साथ पूरी आपको सप्लाई बताऊंगा, LED लाइट कौन कौन सी कहाँ कहाँ लगी होती है ये सारी चीज़ मैं इस पर एक्सप्लेन करूँगा, और ये आपके USB डाटा सीरियल जितने भी आपका प्रोटोकॉल हैं ये एक्सप्लेन करूँगा, I2C प्रोटोकॉल ये एक्सप्लेन करूँगा, और आपके यहाँ पर जो आपके कैमरा के फ्लैश EN सिग्नल आते हैं इसमें, आपके कैमरा टॉर्च के EN सिग्नल आते हैं, तो ये एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो बहुत अहम है, ये वीडियो पूरा देखेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉल्ट आप समझ गए कि इसमें चार्जिंग इनेबल नहीं हो रही है, और बेसिकली चार्जिंग नहीं इनेबल का होने का मतलब ये हो सकता है कि ये चार्जिंग ऐसी किसी भी प्रकार के आउटपुट नहीं निकाल रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी आपको शो नहीं होगा। मैं इस पर वोल्टेज आगे दिखा दूंगा, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और सर्किट के साथ, फिर हम इसको ओपन करेंगे और इस पर हम इनपुट आउटपुट वाले वोल्टेज चेक कर लेंगे, उसके बाद में ये IC निकालेंगे। और ये IC निकाल के दोस्तों जितना अच्छा है, मैं ये समझता हूँ कि आप अगर इस जो स्क्रीन देख रहे हो उसकी फोटो खींच लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। बार बार आप देख सकते हैं इस वीडियो को और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और पर ये आप कर नहीं पाएंगे जब तक आप हमारे पास आएंगे नहीं। हम आपको ये खुद निकलवा के लगवाएंगे ना तो ही आप कर पाएंगे। जितना भी आप कर लेंगे आप ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखकर सिर्फ अपडेट हुआ जा सकता है। अगर आप IC निकालना लगाना आपको बहुत अच्छे से आता है तो ये आपके लिए बेस्ट है, बट बाकी आपके लिए बेस्ट बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो GR यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, तो ये सब GR हम इसको चेक करेंगे। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट हमारे कहते हैं कि सर हमने चार्जिंग IC को बदल के वापस नया लगाया फिर भी हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो कई बार हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो IC निकाल के आपके इसके अंदर की आपको रीडिंग आपको चेक करना है, इसके अंदर के एक्टिव वोल्टेज आपको चेक करना है कि आपको ये I2C पर वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, प्लस आपको IO वोल्टेज ये हो गया, तो ये सारी चीज़ कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, तो ये सब चेक करने के बाद ही एक प्रॉपर में IC लगती है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले आपको यहां पर दिखाते हैं कि सबसे पहले इनपुट और आउटपुट में क्या क्या चीज हो रही है। तो दोस्तों इस फोन को मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। देखिए हमेशा याद रखिए, सबसे पहले बैटरी को निकालिए, उसके बाद डिस्प्ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैटरी लगे होने पर डिस्प्ले आप निकालेंगे लगाएंगे तो वो आपका शॉर्ट भी जा सकता है, और ये सप्लाइयों को ओपन करता है या शॉर्ट करता है, लीकेज करता है। तो चलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा सर्किट है, ठीक है, और इसमें देखिए स्क्रू लगा हुआ है। देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं भी दिख रहा हूँ। हाँ अभी हाँ जी, ये आपकी चार्जिंग आईसी, सॉरी सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है, ये चार्जिंग कनेक्टर है आपका 7 पिन का, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप है ना ऑलवेज सबसे पहले आप CC चेक कीजिए, यहाँ पे आपको ये वाले पिन पर ना आपको 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डाटा प्लस, ये आपका डाटा माइनस, फिर डाटा प्लस, ID, फिर आपके दो ग्राउंड के साथ में, ठीक है, तो 3 पिन तो आपके इसमें। तो जो जो आपका बीबस है ना वो आपके IC पर जा रहा है बेसिकली। यहाँ पर एक PA लगा हुआ है, ये PA कोयल की तरह आपको लगेगा, पर ये प्रोटेक्शन डायोड है, ठीक है। इसका एक सिरा माइनस है, एक सिरा प्लस है। हमने यहाँ पर चेक किया पूरा, हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब IC तक तो 5 वोल्ट जा रहा है, पर IC के ऊपर 5 वोल्ट नहीं जा रहा है।
हमें इसको अभी वोल्टेज के साथ चेक करके आपको दिखाएंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये G610 का एक मॉडल है। इसके अलावा भी आपको G610 के अलावा भी आपको कुछ एक फिल्टर आईसी आपको यहाँ पर दिख सकती है। तो वो फिल्टर आईसी मैं आपको बता देता हूँ किस किस प्रकार की वो फिल्टर आईसी हो सकती है। तो वो आईसी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई फिल्टर आईसी नहीं लगी है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर है ना कई बार एक फिल्टर आईसी आती है जो इस तरह की फिल्टर आईसी होती है। दिखाइए यहाँ पर, देखिए ये देखिए इस तरह की फिल्टर आईसियां होती हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह की फिल्टर आईसियां होती है दोस्तों। ये फिल्टर आईसी आपको कैसे दिखती है यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बताता हूँ कि इस तरह की फिल्टर आईसियां कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर है ना एक मॉडल नंबर लेते हैं और मॉडल नंबर के साथ पहले इसका पूरा है ना आपको क्लियर करते हैं। तो ये है हमारा G610, ये देखो G610F, ठीक है। हम इसका डायग्राम ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये G610F का डायग्राम ओपन है। ये आपका लेआउट है, ठीक है, ये आपका लेआउट जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, ये आपका कनेक्टर है, ये आपका कॉइल लगा हुआ है, एक आईसी यहाँ लगी है और एक आईसी U7009। आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा, देखो यहाँ पर वो आईसी नहीं लगी है, यहाँ पर खाली पीए लगा हुआ है। तो इन्होंने अपने कुछ मॉडल में होता है कि ये जो पीए अपडेट किए हैं, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे आईसी लगा दी है, वहां पे उन्होंने पीए लगाया है। हम यहाँ पे पीए हटा के इसको जम्पर नहीं मानना है क्योंकि ये डायोड की तरह है, यहाँ दिखाइए। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आईसी में जाना चाहता हूँ। तो ये आईसी आप देखेंगे कि आपका बीबस कहाँ जा रहा है, तो ये आपने इसको क्लिक किया, इसको हम नेस्ट करेंगे और इसको नेस्ट करेंगे। तो देखिए ये आईसी हमारा यहाँ पे देखिए बीबस जा रहा है, जो B2 B3 से होकर A1 A2 से बायपास हो रहा है। मतलब अगर ये आईसी आपकी खराब होगी तो आपको यहाँ से यहाँ पे जम्पर देना पड़ेगा। और ये कॉल के होते हुए जो कि L7007 ये के, और उसके बीबस पर आउटपुट हो रहा है। और ये कॉल आपका कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए, ये आपका जस्ट चार्जिंग आईसी के नीचे लगा हुआ है, यहाँ दिखाइए, ये देखिए ये कॉल आपका यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर। अगर हम सीसी, अगर हमारा मान लो सीसी सही है, इनपुट लाइन सही है, तो इस कॉइल पर हमको 5 और इधर 5, यहाँ 5 वोल्टेज हमको मिलेंगे जो इसके फिल्टर है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट, अगर हमें यहाँ 5 नहीं मिलते हैं तो हमारा मेन जो पॉइंट है ये है कि हमारे को चार्जिंग तक 5 वोल्ट पहुंच ही नहीं रहा है। तो जनरली आज के डेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट एक कैपेसिटर की लाइन दे दी या डायरेक्ट डायोड से प्रोटेक्शन करा दिया या फ्यूज लगा दिया। आज के डेट में एक प्रोटेक्शन आईसी लगा गया, आज के डेट में एक सीरीज में प्रोटेक्शन आईसी लगाई जा रही है जिसमें प्रोटेक्टर डायोड और सीरीज में हाई वैल्यू रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ दिखाइए। तो बेसिकली इस आईसी के देखो, इस आईसी के यहाँ पे पूरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा यहाँ पर। ये आईसी पर अगर बहुत सारी चीजें पता करने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो रजिस्टर लगा देता हूँ तब से बीप दे रहा है, ये एक LVR, ये एक आपका LVR रजिस्टर है जो कि ग्राउंड के साथ लगा हुआ है और ये लाइट के लिए लगा है। और कौन सी लाइट, क्योंकि चार्जिंग में तो लाइट होती नहीं है, जी हाँ चार्जिंग में लाइट होती है, स्ट्रोब आईसी। और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए ये रजिस्टर जो लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 10 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये बेसिकली कैमरा की फ्लैश EN सिग्नल के लिए लगा हुआ है। तो अगर आपने ये वाला रजिस्टर भी निकाला ना दोस्तों, तो हो सकता है कि आपका कैमरे का EN सिग्नल काम करना बंद कर दे, मतलब कैमरे का जो फ्लैश लाइट है वो काम करना बंद कर जाए। और ये जो डायोड और ये बूस्ट कॉइल जो लगे हुए हैं, और ये पूरी लाइन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट, अगर यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ जाता है इसका मतलब ये हमारी लाइन सही है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करते हैं, और 5 वोल्ट अगर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम अपना है ना अपना सीसी चेक करेंगे। सीसी के बाद हम डायरेक्ट ये पीए ओपन करेंगे। ये पीए सिर्फ एक डायोड है, ये डायोड सिर्फ 2 लाइन पर है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक लाइन ग्राउंड है। आपने करना है ये पैलर है, ये ओपन होगा भी नहीं, ये सिर्फ आपका लीकेज और आपका शॉर्ट होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट लाइन जा रही है, तो अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टेज चला जाना चाहिए, ये आपके इस कॉइल पे यहाँ पे डायरेक्ट 5 वोल्ट आ जाना चाहिए। जो भी मसला है वो इस आईसी के साथ ही है। तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं इसको, दिखाइए यहाँ पर। तो दोस्तों ये आजकल की सारी प्रोटेक्शन आईसियां हैं, दोस्तों ये आपकी सारी आजकल की प्रोटेक्शन आईसियां हैं। ये देखिए ये आपको यहाँ पे कनेक्टर बना दिया है, ये आपका बी बस है, ठीक है, ये डाटा माइनस, ये आपका प्रोटोकॉल है, ये आपका जिससे आप डाटा को लेते हैं और देते हैं, और बेसिकली ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग है। और ये आपका ID है, ये बेसिकली आपका OTG के लिए यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। और ये आपके ग्राउंड है, ठीक है,
तो यहाँ के साथ जो लाइन जा रही है, सबसे पहले देखिए कैपेसिटर और ये डायोड फिल्टर के लिए लगाया हुआ, ये फिल्टर के लिए और ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। जनरली ये सबसे ज़्यादा लीकेज होते हैं, ये सबसे ज़्यादा लीकेज होता है और यही लीकेज की वजह से एक आपको इशू आएगा और वो इशू भी आपका चार्जिंग पॉज, चार्जिंग पॉज का सर्किट बना देगा। अगर ये लीकेज होता है दोस्तों तो चार्जिंग पॉज का सर्किट बना देगा। ये देखिए कहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ ऊपर, देखिए टीवी पर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका सर्किट है वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर है। ये देखिए ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर, ये देखिए ये डायोड और ये कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये डायोड और ये कैपेसिटर। तो बेसिकली ये कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए ये डायोड और कैपेसिटर वन माइक्रो फेराड और 35 वोल्ट तक ये झेल सकता है। और ये डायोड लगा हुआ है प्रोटेक्शन D7000 और ये देखिए ये लाइन के साथ लगा हुआ है और ये लाइन आपका जा रही है यहाँ पर बी बस पर, ठीक है, 5 वोल्ट के साथ ये लाइन जा रही है प्रोटोकॉल के तहत। तो बाकी ये लाइन उसके बाद फिर जा रही है इस आईसी पर। तो ये आईसी दिखाइए, ये देखिए ये आईसी पर ये लाइन जा रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर B2 तो ये आपका नोज कट पॉइंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये वाली जो आईसी है ना दोस्तों, ये ऊपर लगाई है मैंने। तो ये आईसी है ना, ये जनरली ये लगी होती है ये J7 Pro में, तो जनरली आपको उसमें ये आईसी मिलेगी। नोज कट पॉइंट के साथ आपको एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज से आईसी को डिटेक्ट करना आना चाहिए। तो इसकी फोटो खींच लीजिएगा कभी आपके पास में, अगर ये आईसी आई जिसमें आपको यहाँ पर आपको अगर बीबस मिला है तो आपने यहाँ से उठाकर उसको यहाँ पर जम्पर देना है, तो ये इसका सलूशन है। पर यहाँ पर ये वाली आईसी लगी हुई है, यहाँ पर आपका नोज कट पॉइंट ये बनता है जिसमें आपका जो इनपुट लाइन जा रही है, देखिए ये लाइन इनपुट है, ये वी बस, ये बी बस इन जा रहा है और जो जा रहा है B2 और B3 में और ये उसके होते हुए A2 और A1 पे जा रहा है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ पर जंपर देना है। तो ये सलूशन है इसका, B2 और A1 को जंपर मार देंगे ना तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पे C7307 पर आपको 5 वोल्ट बनने चाहिए। और बेसिकली ये देखिए ये वो कॉयल है, ये आपका करंट को बैलेंस करने का काम करती है और ये आपको बैलेंस करिए, तो इस कॉयल पे 5 वोल्ट बनने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बाईपास करना चाहते हैं तो आप यहाँ से होकर यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाले पॉइंट से आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आप जंपर दे सकते हैं, तो ये पूरा बाईपास हो जाएगा, आपका चार्जिंग तब भी बन जाएगा। पर दोस्तों मसले क्या जाएंगे कि हमको प्रोटेक्शन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ये आईसीओ पे काम करने की आदत डालें, इस आईसीओ को रिप्लेस करें, ये आईसीओ को रिप्लेस करें। अब देखिए तो आप अगर यहाँ 5 वोल्ट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाइए, अगर मेरा यहाँ पर एक कैपेसिटर ये कॉइल में 5 वोल्ट बन जाता है तो मतलब ये मेरा आईसी में वोल्टेज इन हो जाएगा। यहाँ दिखाइए, अब जैसे ही आपको चार्जिंग आई सी पर आपको यहाँ पर देखिए, और ये आपका जो इन हो रहा है ये हो रहा है आपका A5, ये यहाँ पर देखिए A4 और ये आपका B4, ये 3 पिनों पर ये आपको यहाँ पे इन हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये 3 पिन पे आपको GR इस तरह का मिलना चाहिए। यहाँ पे टीवी में दिखाइए, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इन किस तरह से यहाँ पर इन हो रहा है। तो ये देखिए ये वो कॉइल है, ये आउटपुट कॉइल, जहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से जंपर उठा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और हम इसको डिटेक्ट करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो देखिएगा ये जा रहा है PMIC। अब आप बोलेंगे सर PMIC ये तो चार्जिंग आईसी है, तो ये दोस्तों ये सब PMIC है, ठीक है, PMIC बनाई है। ये देखिए A4 B5 B4 जैसे मैंने आपको बताया 35 वोल्ट का एक झिल्ले का एक कैपेसिटर इन्होंने लगाया हुआ है जो ज्यादा हैवी वोल्टेज पर ये अपने आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, भाई उसके ऊपर नहीं झेल पाएगा, 35 वोल्ट के ऊपर ये क्या कर देगा, ये शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दिखाइए, देखिए ये कैपेसिटर बेसिकली यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, जैसे ये मैंने ये कैपेसिटर यहाँ लगा दिया, ये दिख रहा है आपको कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। अब तो ये इसमें जा रहा है तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए A4 A5 B4 यहाँ, ठीक है, ये इनपुट हो गया। तो सबसे पहले अगर हमारा आईसी पे इनपुट हो गया अगर दोस्तों हमारा आईसी पे इनपुट हो गया तो आपको ये सप्लाइयों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको एशिया टेलीकॉम दे देगा, अब कोई दे ना दे आपको एशिया टेलीकॉम जरूर दे देगा। तो ये सारी सप्लाई में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ यहाँ दिखाइए देखिए। तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद होता है कि यहाँ पर आपको इतना वोल्टेज मिल जाए,
तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाता है। यहाँ नहीं मिला ना तो आपने पूरा ये लाइन बाईपास करनी है, ये आपकी एचडीआईसी प्रोटेक्शन के लिए इसको आपको बाईपास करना है। बाईपास के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर ये आईसी होगी तो आपको इस गोले से इस गोले पर, और इस आईसी होगी तो इस गोले से इस गोले पर, बेसिकली A1 और B1। बहुत टेक्निकली छोटी छोटी चीज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह तो आपने ऑनलाइन में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो फिर ऑफलाइन में आ जाइए हमारे पास और सीख लीजिए अच्छे तरीके से। सो दोस्तों यहाँ पर ये तीन लाइन पर जैसे ही चार्जिंग इन होती है तो ये क्योंकि सिर्फ चार्जिंग आईसी नहीं है, ये चार्जिंग प्लस स्ट्रोब आईसी, स्ट्रोब आईसी को बोलते हैं फ्लैश आईसी, तो बेसिकली ये फ्लैश आईसी है। अब देखिए इस पे क्या क्या चीज यहाँ पे आपको मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो चार्जिंग आईसी जो चार्जिंग कनेक्टर से आपको D-D+ मिल रहा है वो आपको देखिए A1 और A2 पे आपको D+ और D- जा रहा है बेसिकली, और ये एक डाटा USB, डाटा USB प्लस और डाटा USB- का प्रोटोकॉल है। यही चीज CPU को जा रही है बाय चार्जिंग और ये जा रही है C1 और B1 पे, तो आपको ये GR आने चाहिए। अगर आपको यहाँ पर ये 589 जैसे हम इसको चेक करेंगे, C1 और B1 पे अगर हमको ये रीडिंग नहीं आ रही है ना तो इसका मतलब ये है कि हमारा CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये CPU से आ रहा है तो ध्यान रखिएगा ये CPU को रिवॉल्व करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें क्या फॉल्ट जाएगा कि आपका डाउनलोड मोड पे डालोगे और कनेक्ट करोगे तो कनेक्शन नहीं होगा, या फिर दूसरा फॉल्ट क्या जाएगा कि आपका डाटा ना ट्रांसफर होगा ना रिसीव होगा। उसके साथ में ये जो AP UART THD 1 डाटा 1 और RS D1 ये जो UART के कनेक्शन है, ऐसी JTAG UART, ये भी प्रोटोकॉल है जो कि आपके कंपनी यूज करती है प्रोग्रामिंग के टाइम पे, जब इसको आप कंपनी को जो अपना फर्मवेयर अपडेट करना होता है तो वो इस प्रोटोकॉल के तहत यूज करती है, ये आपको टेस्टिंग पॉइंट के तहत मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए ये जो है ये B2 आपका USB ID का पॉइंट है जो कि आपका OTG का पॉइंट है, ये OTG का पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको OTG के पॉइंट के लिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर और बताता हूं मैं, चलिए तो यहां पर इतना GR आपको देखना बनता है जब ये IC निकाल दोगे, सपोज ये इस फॉल्ट के लिए, तो ये पूरा आपका ये USB प्रोटोकॉल है जहां पर मैंने बताया D+, D- A1 और A2 में आपने यहां पर चेक करना है कंटिन्यूटी। आप यहां से यहां पर अगर नहीं आ रहा तो माइक्रो जम्पर, आपको माइक्रो जम्पर निकालना पड़ेगा और यहां से निकाल कर यहां पर ऐसा जम्पर करना पड़ेगा, आपको माइक्रो जम्पर निकालना है यहां से यहां पर आपको जम्पर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये आपका CC है, ये आपका CC है, उसके बीच में ना सीरीज में ना रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो रजिस्टर भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जो जीरो वैल्यू के भी हो सकते हैं और HVR हो सकते हैं, कौन से लगे होंगे मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। चलिए और आगे जाते हैं, इस आईसी को और काम करने के लिए PM से इंटरप्टेड लाइन मिलती है कि कब हमें चार्जिंग रोकना है कब हमें चार्जिंग नहीं रोकना है, तो PM आईसी इसको इंटरप्टेड लाइन देता है 1.8 वोल्टेज के साथ, तो यहां पर आपका GR प्लस वोल्टेज दोनों आना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि PM 1.1 इंटरप्टेड की लाइन मिलने के बाद में दोस्तों इस आईसी को एक IO वोल्टेज मिलते हैं पावर आईसी से, ये IO वोल्टेज होते हैं, इसको हम VIO वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज आयो, तो ये बेसिकली हमें पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज मिलते हैं जो कि हमें ये कैपेसिटर में मिलते हैं। देखिए कैपेसिटर में दिखाता हूँ और इसका वोल्टेज भी चेक करता हूँ कि यहाँ पर आयो वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो देखिए ये जो 1.8 वोल्टेज के साथ जो आयो वोल्टेज है, मैं इसका आपको आयो वोल्टेज के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाली जो लाइन है 1.8 वोल्टेज, ठीक है, तो ये लाइन मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये कैपेसिटर बेसिकली, ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर देखेंगे हम कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए ये हमारे चार्जिंग सेक्शन के यहाँ पर लगा हुआ है ये वाली। अब यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें वोल्ट बैटरी दूं तो मुझे यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बराबर मिलने चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब मुझे PM पे काम करना पड़ेगा, चार्जिंग आईसी पे काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने देखिए नीचे दिखाइए, देखिए मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी है और यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए मल्टीमीटर दिखाइए। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऑन किया, अब मल्टीमीटर पहले दिखाइए कहाँ लगाया होगा, फिर बाद में मल्टीमीटर को दिखाइएगा, दोनों चीज यहाँ पे आपको दिखाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाइए जो मेरे साथ में यहाँ, चलिए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो हमारे सर, तो देखिए अब मल्टीमीटर भी दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा होगा, आई होप दोनों चीज दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है और बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर हम आपको वोल्टेज चेक करवाते हैं। देखिए तो ये दोस्तों ये हमारा है ना VCC इनपुट लाइन है, ये हमारी स्विचिंग करवाते हैं, ध्यान रखना ये हमारी स्विचिंग, यहाँ पे हमें 4 वोल्ट मिलना चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे 4 वोल्ट जरूर चेक करेंगे। तो ये हम 4 वोल्ट चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए बूस्ट कॉल पे 4 वोल्टेज है, देखिए आ रहा है आपको मल्टीमीटर में 4 वोल्टेज शो दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए दिख रहा है आपको 4 वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे दिखाइए, तो अगर यहाँ पे आपको दोनों 4 वोल्टेज नहीं दिखाई, देखिए यहाँ पे दिखाइए 4 वोल्टेज दिख रहा है आपको,
अब यहाँ पे दिखाइए, तो ये डायोड जनरली ये डायोड भी लीकेज हो जाता है, और यहाँ पर ये आपको 4 वोल्टेज नहीं आते हैं, तो ये आपका बूस्ट कॉइल भी ओपन हो सकता है, यहाँ पर ये इसमें डेड भी हो जाएगा आपका साइड। दूसरा यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये आईओ का कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पर दिखाइए वोल्टेज, दिखाइए देखिए जैसे मैं लगा था 1.4 वोल्ट है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाइए, देखिए मैंने यहाँ पर टच किया हुआ है, तो यही कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर यहाँ दिखाई दे रहा है C5080 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दिखाइए यहाँ पे, दिखाइए दोस्तों देखिए, तो ये आपका आयो का, तो हमारा ये वोल्टेज मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर 1.4 वोल्टेज मिल रहा है जो कि हमारे सही है, पावर आईसी से हमारा वोल्टेज आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, आपको पावर आईसी को आपको रिवॉल्व या फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर और सप्लाई की, हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों जो आउटपुट है ना वो हमारा H9 और H8 है, जहाँ पे हमको ये GR मिलने चाहिए। जब भी आप IC निकाले तो ये GR जरूर चेक करें, 415 यहाँ पे आपको आने चाहिए। दूसरा आप क्या चेक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब देखो पूरा स्ट्रोब IC का मैं सबसे आखिर बताऊंगा, सिर्फ चार्जिंग का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और क्या क्या आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखो जो ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है, तो ये एक्चुअली इनपुट हो रही है आपका, ये यहाँ पर G8 और G9 पे आपको जा रहा है, जहां पे आपको GR 329 मिलना चाहिए, जो एक डायोड और एक कैपेसिटर के थ्रू लगा है। देखिए यहाँ पर ये डायोड और कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 वोल्ट मिलने चाहिए। और उसके बाद ये बूस्ट कॉइल होते हुए देखिए यहाँ पर, ये देखिए बूस्ट कॉइल नीचे लगी हुई है ना यहाँ पे नोज कट पॉइंट के, क्योंकि इसका दूसरा सिरा नीचे जा रहा है। यहाँ दिखाइए, ये देखिए बूस्ट कॉइल नीचे लगी हुई है, इसका दूसरा सिरा नीचे जा रहा है, और ये जा रहा है आपका A8 और आपका B8 दोनों में जा रहा है, और जो आपको यहाँ रीडिंग आएगी वो रीडिंग आपकी बिल्कुल यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपके नोटिस में होना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी फोटो जरूर खींचेगा। अगर ये बूस्ट कॉइल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर 4 वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो इस IC को एक VCC इन नहीं मिलेगा, तो ये बेसिकली VCC इन है, ये इसका LX है और ये इसका स्विचिंग है। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ पर उन्होंने दी हुई है। तो दोस्तों इस तरह का यहाँ पर आपको इसको चेक करना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्ट्रोब IC का क्या सीन है, तो देखिए ये जो LED यहाँ पे लगी हुई है, LED 5001 यहाँ पे दिखाइए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो LED यहाँ पे लगी हुई है, देखिए यहाँ पे दिखाइए कैमरे में, ये देखो ये LED दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ पर ये LED यहाँ पर है, ये LED 5001। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर अगर क्लिक नहीं हो रहा है, LED 5001 और एंटर मारूंगा, तो देखिए ये LED यहाँ पे, देखिए एक सिरा ग्राउंड किया है और एक सिरा E9 और F9 के साथ लगा हुआ है, और ये देखिए ये चार्जिंग IC के साथ लगा हुआ है। यहाँ दिखाइए, यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है LED 5001, ये देखिए ये सिरा इसका प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर किया हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। इस IC को 2 EN सिग्नल मिल रहे, एक फ्लैश EN सिग्नल जो कि आपने चेक करना है दोस्तों, इधर ये इसके साथ B5 10 ओम का रजिस्टर के साथ, और एक यहाँ पर G6 पे मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको GR चेक करना है, 400 से 800 के बीच में आपको GR मिल जाएगा, कैमरा टच EN, और जैसे ही आप कैमरे टच को इनेबल करते हो तो यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर आपको क्या देखना है दोस्तों, अगर मैं EN सिग्नल के साथ इसके अलावा बताऊं कि कैमरे, क्योंकि चार्जिंग की भी LED होती है, और चार्जिंग की LED ये देखिए मैं यहां से दिखाता हूं आपको, देखिए यहां पर, यहां दिखाइए, देखिए यहां पर मैं आपको चार्जिंग LED दिखाता हूं पहले, तो देखिए यहां पर आपको है ना ये LED दिखाई दे रही होंगी लाइन से, LED 1 LED 2 तीन LED लगी हुई है, ये LED दिखाता हूं, ये इंडिकेशन है आपका, ये देखिए LED यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए दिख रही है LED, ये LED यहाँ लगी हुई है। तो दोस्तों मेन क्या है, ये LED की सप्लाई भी आपको जानना जरूरी है चार्जिंग के हिसाब में। ये देखिए कित कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, जनरली ये चार्जिंग पे काम कर रहे हैं, कैपेसिटर शॉर्ट है, कैसा पता चलेगा यहाँ दिखाइए। जब आप पर्टिकुलर IC को निकालते हैं तो सिर्फ IC को निकालना लगाना नहीं सीखना है, उसका डाटा सीट, जो बेसिकली डाटा सीट है, आपको डाटा सीट सीखना है कि हर पॉइंट पर कितना GR, हर पॉइंट पर दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, एक आपको GR प्लस एक आपको वोल्टेज, तो ये दो चीज आपको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको HCL और यहाँ पर HDA एक 422 और 423 का आपको रीडिंग मिल सकता है, इसके आसपास मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज की बात करेंगे तो 1.8 और 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। I2C की यहाँ पे 2 सप्लाई लाइन जाती है, तो ये वाली लाइन तो सारी आपके प्रोटोकॉल वो हो गए जो USB डाटा सीरियल के लिए हो गए, जो आपके डाटा को ट्रांसमिट और रिसीविंग करने के लिए जो कस्टमर का डाटा है। बाकी जो इस IC के लिए जो सप्लाई है, जो सिग्नल का डाटा है, वो है हमारा I2C
जो लाइन हमारा G4 और F4 में जा रहा है 1.8 आपके चार्जिंग के लिए, और I2C जा रहा है आपका I2, ये आपका जा रहा है F2 और G2 में जा रहा है 1.8, और ये आपका स्ट्रोब IC के साथ, तो फ्लैश IC का भी I2C पॉइंट जा रहा है और इन दोनों का भी I2C पॉइंट जा रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो I2C सप्लाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये आपका आउटपुट के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 4.2 का, यहाँ दिखाइए, ये 4.2 का कैपेसिटर आपका बेसिकली ये है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 4.2 यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये कैपेसिटर के साथ आपका होते हुए आपका आउटपुट हो रहा है जो कि आपका बीबेट प्लस पे आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या चीज चेक करना है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, उसको फिर से मैं बता देता हूँ, और वीडियो का IC निकालता हूँ, उस पर GR चेक करूंगा और वापस फिर से बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखो, और भी लंबा ये वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 वोल्ट में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, दूसरा मैं इस बूस्ट इस कॉइल पे नॉर्मल कॉइल पे 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ दिक्कत है तो मैं यहाँ पर OVP IC ढूंढूंगा, और इसको बेसिकली OVP IC भी कहा जाता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC, तो इसको ढूंढूंगा और इसको हटा के इसको जंपर मारूंगा, जैसे कि मैंने बताया इसमें ये लगी होगी तो B2 से A1 पे जंपर मारूंगा, और इसमें ये लगी होगी तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पर जंपर मारूंगा, ये नोट्स का पॉइंट देख लूंगा। दूसरा मुझे कैसे भी करके चार्जिंग IC को यहाँ पर 5 वोल्ट पहुंचाना है, तो मैं यहाँ पर 5 वोल्ट इसको यहाँ पर पहुंचाऊंगा रनिंग, और आप चाहे तो यहाँ से यहाँ पे भी जंपर लगा सकते हैं, बाकी आप चाहे तो एक माइक्रो जंपर निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा यहाँ पे IC में फिर मुझे चेक करना है कि सर यहाँ पे 1.8 एक IO वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, VS/YS की लाइन मेरी 4 वोल्टेज की सही है कि नहीं सही है, बूस्ट कॉइल मेरा सही है कि नहीं सही है, ये लाइन के साथ में कोई कैपेसिटर और कोई डायोड शॉर्ट तो नहीं है, पावर EM इंटरप्रेट की लाइन पे कोई कंपोनेंट है तो वो जरूर चेक करूंगा, पर जनरली निकालने के बाद ही चेक होता है। निकालने के बाद मैं क्या क्या चेक कर सकता हूँ, I2C लाइन चेक कर सकता हूँ, मैं USB डाटा CL के जो CPU के साथ कनेक्ट हो सकते हैं USB डाटा सीरियल जो CPU के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो लाइन चेक कर सकता हूँ मैं अपनी, अगर मुझे फ्लैश मतलब ये फोन में ये फॉल्ट जा रहा है कि बैटरी लगाने पर सीधे LED जल जा रही है, तो मैं ये LED के पॉइंट चेक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये किसी के साथ में ऐसा जुड़ जाएंगे ना, मान लो ये इसके साथ जुड़ गए तो क्या होगा कि सीधा आपका LED जल जाएगा, कैमरा का टॉर्च EM सिग्नल मिल जाएगा, कैमरा टॉर्च जल जाएगा, तो ध्यान रखना ये चीज भी नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यही चीज करके ही मोबाइल रिपेयरिंग सीखा जा सकता है कंप्लीट सोल्यूशन के साथ में। और अगर कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ये मान के चलिए कि आप जिंदगी और भटकते रहेंगे, 2 साल सीख लो या 10 साल सीख लो, ये सर्किट का नॉलेज, एक बार सर्किट डायग्राम पढ़ना अगर आ गया, एक बार अगर सप्लाई को नॉलेज आ गया तो आप अच्छा कर सकते हैं बाद में, बट अगर नया सर्किट आया और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो और आपके टीचर के पास में समय नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने वाले ने एक वीडियो दे दिया और वो कहता है कि वो वीडियो को पूरी जिंदगी भर देखो और दूसरा वीडियो वो आपको देता रहेगा दूसरी सदी तक, तब तक तो फोन ही बदल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, समझना आपको है, और ये और मैं तो चाहता हूँ आप ऑनलाइन कोर्स करो, क्योंकि आप ऑनलाइन करोगे तब उसके बाद हमारे पास आओगे, ये बात मैं लिख के दावा कर सकता हूँ, और ताकि आपकी बुद्धि भी खुलेगी और हमको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं गए। तो मेरे पास आज जो बैच चल रहा है उसमें से कम 5 लोग या 6 लोग ऑनलाइन करके ही बैठे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। मैं ऑनलाइन को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, हो सकता है किसी को IC निकालना लगाना आती है, वो ऑनलाइन में बिल्कुल सीखे, उसके लिए बहुत बेस्ट है, पर अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं कर रहे हैं और अगर आपने लग रहा है 10 दिन का काम पे आप पूरा सीख रहे हैं तो ये सब बकवास है, इससे अच्छा फील्ड चेंज कर दो, कोई दूसरा काम डालो, बिजनेस देखो, सेलिंग का काम कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, ये आपके लिए फील्ड है ही नहीं। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन 10-15 डेज कोर्स, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन ऑनलाइन, या डोंट वेस्ट टू मनी, जस्ट वेस्ट दैट मनी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग की जो आपको कनेक्ट करके रख रहा है, वो आपसे बोलता है अगले साल भी अगर तू नहीं सीखा तो वापस आ जा, बैठ जा यहाँ पर 10 दिन में तेरे पास फिर से लगता हूँ सिखाता हूँ, उस पर पैसा वेस्ट करो, सीधी सी बात है। चलिए इस IC को निकालते हैं, आप पहले इसकी लाइनिंग चेक करते हैं, अगर लाइनिंग फॉल्ट हो गई तो लाइनिंग को बनाते हैं, नहीं तो IC को निकालेंगे, और IC को थोड़ा निकाल के उसको चेंज करके वापस लगा के इस फोन को ओके करके आपको कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और प्रैक्टिकल कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया, तो चार्जर लगाने के बाद में हम यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कॉइल आपका, ये कॉइल देखिए यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर दिखा दीजिए, देखिए ये कॉइल है आपका, ये कॉइल में यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट, तो यहाँ दिखाइए, तो यहाँ पर मैं 5 वोल्ट आपको, अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है तो मतलब मेरा सर्किट सही है, इनपुट लाइन सही है। ऑलवेज रिमेम्बर इनपुट लाइन जरूर चेक करें फिर आप IC पर निकालें। तो देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है आपको यहाँ पर, देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है ना, इसका मतलब इनपुट लाइन सही है। अब देखिए मैं आउटपुट लाइन पे चेक करता हूँ,
देखिए मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्टर दिखाता हूँ आपको, ये बैटरी कनेक्टर है। अब वापस दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ, चलो ये माइनस है देखिए, और ये रेड वाला प्लस है, ठीक है, ये माइनस लगा दिया है, ये देखिए कोई वोल्टेज दिख रहा है क्या? देखिए कोई वोल्टेज नहीं दिख रहा ना। फिर से दिखाता हूँ 5 वोल्ट इनपुट, देखिए तो फिर से दिखाता हूँ 5 वोल्ट इनपुट, देखिए ये माइनस लगा दिया, ये प्लस लगाया, देखो 5 वोल्ट आ रहा है ना। अब फिर से देखो ये वाले कैपेसिटर में, अब दिखाता हूँ ये वाले कैपेसिटर में, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं इस कैपेसिटर के ये वाले सिरे पे लगाऊंगा तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, अगर यहाँ मिल गए तो यहाँ से उठा के मैं जंपर दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आउटपुट पे देखिए, एक 1 पॉइंट वोल्टेज फ्लक्चुएट हुए थे, पर देखिए नहीं आ रहे थे, ये ग्राउंड है, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब कि मेरा यहाँ पर आईसी, अब क्योंकि यहाँ पे मेरा आईओ वोल्टेज तो आ रहा था ना, ठीक है, और मैं वीसीसी भी चेक किया, एक बार वीसीसी भी चेक कर लेते, चलिए वीएस वायस। देखिए ये मैंने बैटरी लगा दी, अब मैं एक बार वीएस वायस चेक कर लेता हूं, ये देखिए 3.8, 3.8, ये देखिए आयो, आयो भी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अब मुझे आईसी निकाल के इसका जीआर चेक कर, अब आईसी चेंज करने पड़ेगा। देखिए जीआर कब चेंज करने पड़ते हैं सर, आप तो बोले होंगे सर आपने तो कितनी बार, हमने तो कितनी बार ये आईसी निकाल के लगा दी है और चालू हो गया हमारा और सब बढ़िया। ये उनके लिए है जो डीपली में चिप लेवल पे है, कि आप वो टेक्निक्स हैं जो आईसी निकालने के लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे, तो भैया अंदर आईसी के पैड पर जाओ, देखो सप्लाई क्या है। चलिए आईसी निकाल, ठीक है। अब हम इसके, ये देखिए यहाँ दिखाइए, हम इसके जीआर चेक करेंगे। तो सबसे पहले बी बस पे हम चेक करेंगे, H9 H8 पे 450 समथिंग कुछ आना चाहिए हमारे पास, 350 से 450 इसके जीआर होते हैं। देखिए मल्टीमीटर को हमने बी मोड पे रखा हुआ है, ये चेक करने के लिए कि अगर आउटपुट बन रहा है, क्या पता कनेक्टिविटी ना हो आउटपुट की, फिर आपको डंपर निकालना पड़ेगा। लगा दिया है यहाँ पर, हम देखेंगे कि हमारा, ये देखिए इधर आयो वोल्टेज का, ठीक है, यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए, यहाँ दिखाइए, ये देखिए, देखिए 351 आ रही है। देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं आपको इसको सीधा करके दिखाता हूँ कैमरे को, देखिएगा अब देखिए, यहाँ ये हमारा आयो वोल्टेज है, ये कैपेसिटर EMIC से आ रहा है, देखिए आ रही है रीडिंग, मतलब सही है। यहाँ दिखा दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए हमारा LX और इसका हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका
ये दो पॉइंट और इसके बाद में ये दो पॉइंट, बेसिकली ये हो गया आपके जी जी एट जी नाइन। देखा यहाँ दिखाइए, ये देखिए यहाँ रीडिंग, यहाँ रीडिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ रीडिंग, यहाँ रीडिंग, और देखिए आपस में बीप देना चाहिए। क्योंकि ये सही है हमारा बूस्ट फाइल। अब देखिए ये वाला रजिस्टर मैंने आपको बताया था, ये ग्राउंड है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये दोनों और बीप देगा। ये 10 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको, मल्टीमीटर दिखाइए, देखिए 10 ओम से आ रहा है मल्टीमीटर में। अब यहाँ पे और क्या, आई टू सी लाइन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये आई टू सी लाइन है जी सीरीज और एफ सीरीज में, यहाँ दिखाइए, फोन नंबर पे देखिए 447 आ रहा है यहाँ पे, देखिए इधर ये फोन नंबर पे, ठीक है, इसके नीचे भी 447, ये देखिए 48 समथिंग, HCL HCA HCL और HDA, सॉरी HDA मतलब CL डाटा CL क्लॉक, और ये आपके I2C है, ये ऑन मोबाइल में 1.8 के साथ, ठीक है, विद एक 2.28 आपका सीरी पुल अप रजिस्टर के साथ। तो दोस्तों आईसी का डाटा बिल्कुल सही है, यूएसबी का डाटा भी, ये यूएसबी के पॉइंट है, दिखा दीजिए, ये यूएसबी के पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर आपको जो जीआर देखने को मिलेगा, ये देखिए ये यूएसबी के जीआर है, ये ईएन सिग्नल का जीआर है, ये देखिए ये ईएन सिग्नल का जीआर है, ये आपके फ्लैश का ईएन सिग्नल का जीआर है, तो सब सही है। ये भी चेक कर लीजिए कोई कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये मेरा उसका टच हो रहा है, ये देखिए शॉर्ट नहीं है, ये देखिए, और सब पर जी आर जरूर चेक कीजिए, ये देखिए शॉर्ट नहीं है, ठीक है, मतलब अब हमारी आईसी को, तो देखिए हमारी आईसी तैयार है लगाने के लिए, ठीक है। चार्ज पे लगाते सारी हमारा चार्जिंग शो हो गया है,
तो जो हमारा पहले चार्जिंग नहीं हो रहा था वो चार्जिंग हो रहा है। फोन को ऑन करते हैं दोस्तों। फोन ऑन हमारा हो चुका है और अब एक बार ऑन होने के बाद में इसको चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो जहाँ पर मैंने आपको बताया हो पूरा किस तरीके से हमें यहाँ पर चार्जिंग पे काम करना है, किस तरीके से आप ये ABP IC अपनी यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने ESD IC है आप ESD IC को यहाँ पर आप इसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आई होप कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आई हो यहाँ पर। तो देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ले लिया ना वीडियो, उतने में बंद कर दो। बहुत नल्ला है। देखिए दोस्तों बहुत देर बाद चालू हुआ तो पहले ये लग रहा था बीच में ये बंद हो गया, पर ठीक है सैमसंग है, बहुत नल्ले फ़ोन होते हैं ये, और अभी एक सैमसंग ही खरीद लिया अभी तो वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग आपको दिख रही होगी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए और यहाँ पर वापस लगाता हूँ उसको, तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग आपको दिख रही होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो में बहुत मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी इस वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा जो कोई दूसरा शायद ही दे पाए, तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर वन पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे, पर उनका क्या जो सिर्फ 6 लैग की IC सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMMC लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा यहां पर, दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर IC के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल जो उनकी सप्लाइयां हैं, वो सारी सप्लाइयां उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जरूर इसी तरह थैंक यू वेरी मच, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।
और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीको और फिलो तरीको आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.